मार्जिन से निकाल दें, इंतखाबात मौखर होंगे, मामलात जंगी बुनियादों पर चलने हैं, चीफ जस्टिस ने एक बार फिर वाजह कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक पर आज ही जवाब दाखिल कराने का हुक्म। कागजात नामजदगी में तरमीम का मामला, इलेक्शन कमीशन और अयाज सादिक की अपीलों पर लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला समाअत बुध से सुप्रीम कोर्ट में होगी। अब फॉर्म में तब्दीली इतना आसान काम नहीं है, चीफ जस्टिस के रिमार्क। इंतखाबात की गाड़ी चल पड़ी, कागजात नामजदगी वसूली का अमल शुरू, उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 8 जून को जारी होगी। कौमी असेंबली के लिए अखाड़े में उतरने वालों को 30,000 भरना होंगे। सूबाई असेंबली की फीस 20,000 मुकर्रर, 1/4 से कम वोट पर पैसे जब्त हो जाएंगे। भुट्टो का सियासी मैदान में डेब्यू, NA-200 लाड़काना और NA-246 लियारी से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। आसिफा भुट्टो का PS-10 से इंतखाब लड़ने का इरादा। हमने जो प्ली ली थी इस्लामाबाद में कि उनसे नए फॉर्म पे दस्तखत ले लिए जाए, उनसे पूछ लिया जाए कि आप पाकिस्तान के शहरी हैं, कल रॉ का एजेंट आके सेनेट का कौमी असेंबली का मेंबर मिल जाए। 3-4 चीजों की वजह से मैं कहता हूँ 15-20 दिन महीना हो जाए, कोई क्यामत नहीं आ जाएगी। नामजदगी फॉर्म तब्दील न हुआ तो रॉ का एजेंट भी इलेक्शन लड़ सकता है। शेख रशीद को खदशात, इंतखाबात 15-20 दिन मुलतवी होने से कयामत नहीं आ जाएगी। शहबाज शरीफ पर रिहाम खान को 1.5 लाख पाउंड देने का इल्जाम। काराबाग समेत डैम्स का मामला भी बड़ी अदालत में चला गया। आइंदा हफ्ते कटहरा लगेगा। भारत ने डैम बना लिए, नीलम और झेलम दरिया खुश्क हो गए, पानी पाकिस्तान की बका है, तमाम पिटीशन निपटाएंगे, मुतलका अफराद तैयार हो जाएं, चीफ जस्टिस की वार्निंग। शहबाज शरीफ के बाद नवाज शरीफ की भी निराली मंतक, अपने किए के जिम्मेदार हैं, हम तो अच्छी खासी बिजली छोड़कर गए थे। सहाफी के सवाल पर साबिक वजीर आजम का जवाब, बहुत से मंसूबों का इफ्तिताह किया, इमरान खान ने खुद कुछ भी नहीं किया। कमरा अदालत बेगरज ने गुफ्त हो। निहाल हाशमी का नवाज शरीफ से हाथ मिलाने का अरमान, लेकिन हाथ मलते रह गए। सिक्योरिटी अहलकारों ने साबिक सेनेटर पर जमीन तंग कर दी। मेरे शौहर से